हेलो स्टूडेंट माई सल मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू इजी नर्सिंग लेक्चर्स होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में ठीक है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है उसे कर्व में प्लॉट करेंगे और उसके फेसेस के बारे में पढ़ेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आईकिन सो दैट वेन एवर विल अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड एंड ऑल्सो लीव योर लवली कमेंट सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो सो बेसिकली बात करें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है नंबर ऑफ लाइव सेल्स की कितने लाइव सेल्स यानी कि बैक्टीरिया है या कितनी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है एक जगह पर इन अ पीरियड ऑफ गिवेन टाइम सो उसे हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल्स हैं हमारे पास और क्या टाइम पीरियड है ठीक है इनको प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ सेल्स पे आता है और टाइम हमारा एक्स एक्सेस पे आता है एज वी नो दैट बैक्टीरिया क्या है हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या है प्रो है वो क्या है प्रो है प्रो मतलब वो प्रिमिटिव है तो उनके अंदर बेसिकली एक सेल डिवीजन से उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है ठीक है और क्या है हर एक बैक्टीरिया को अलग अलग सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टेम्परेचर पीएच और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है सो so, एक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ साइकिल है उसमें हमारे मेनली चार फेसेस देखने को मिलते हैं अपना फोर सपोज लेट्स गिव एन एग्जाम्पल क्या है अब मेरे को कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जैसे मेरे पास ये बैक्टीरिया है ठीक है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है बट मुझे ये अपने पास चाहिए मैंने इसको कल्चर मीडिया पे अपने यहाँ पे ग्रो करवाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगी इसको आइसोलेट करूँगी इसको निकालूंगी और अपने जो कल्चर मीडिया प्लेट है ठीक है न्यू ट्रेंड मीडिया है उसमें मैं डालूंगी ताकि यहाँ पे ग्रो करे ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर मीडिया मैं एक्सप्लेन कर चुकी चूँकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके पहले देख लेना उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो क्या है बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर आप जैसे अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए अब आप फॉरन शिफ्ट हो रहे हो पढ़ने के लिए तो अब क्या है आप जाओगे वहां पर ठीक है तो आप भी इन्हीं फेसेस से गुजरोगे ठीक है जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास यहाँ लैग फेस चार फेसेस आते हैं लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज तो लैग फेस हमारा सबसे इनिशियल फेस है प्रायर फेज है ठीक है अब इसमें क्या है इसमें क्या होता है बेसिकली अब मैंने बैक्टीरिया लिया ठीक है मैंने उसे एक न्यूट्रिय मीडिया में डाल दिया ठीक है एक मैंने पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया में उसे डाल दिया ओके okay, अब क्या है वैसे ही फॉरन आप जाओगे अब चले गए हो वहां पे अब आप को क्या है वहां जाके सीधा काम करना शुरू कर दोगे पढ़ना शुरू कर दोगे नहीं पहले आपको उस एटमोस्फेयर में अडेप्ट हो गए अरे मैं कहा आ गया आपको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा आपको जेट लैग उतरने में टाइम लगेगा ठीक है आपको वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड होने में टाइम लगेगा तो सेम गोज विद द बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी वहां जाता है बैक्टीरिया एक अलग एनवायरमेंट में आया है मैंने उसे स्पेशल एनवायरमेंट में डाला है तो उसे टाइम लगेगा ठीक है अडेप्ट होने में उसको क्या होगा अडाप्टेशन होगी उसकी वो पहले देखेगा अच्छा ये है अच्छा ये है यहाँ फ्रिज है यहाँ किचन है वो जाएगा है ना अडेप्ट होगा वो उस जगह पे सेलुलर एक्टिविटी अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेगा लेकिन ओवरऑल ग्रोथ नहीं करेगा ग्रोथ इन द सेंस डिवाइड डिविजन नहीं होगी उसकी ठीक है डिवाइड नहीं होगा सेल इंक्रीज इन साइज सेल इंक्रीज तो होगा साइज में लेकिन सेल डिविजन नहीं होगी जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक लाइन में ही है सीधा तो इसको बोलेंगे लैग फेज क्या बोलेंगे लैग फेज उसके बाद आता है हमारा लॉग फेज अब लॉग फेज है लैग के बाद आता है कि अब वो अडेप्ट हो गया अरे अब आपको बढ़िया मजा आ गया फॉरन में आए हो ठीक है नजारे आ गए मजे आ गए अब क्या है अब आपको बाहर जाओगे निकलोगे घूमोगे फिरोगे शॉपिंग करोगे काम पे लगोगे पढ़ोगे लिखोगे तो सेम एज दैट आपकी ग्रोथ बढ़ेगी आपकी क्या है ग्रोथ बढ़ेगी देखने को मिलेगी अब ऐसे ही हमें यहाँ पे लॉग फेस में होता है लॉग फेस को हम एक्सपोनेंशियल फेस भी बोलते हैं ठीक है एक्सपोनेंशियल फेस भी इसको बोलते हैं ठीक है सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन से क्या समझते हैं एक सेल दो सेल बनाएगा दो आगे चार बनाएंगे ठीक है ऐसे ऐसे इनसे फिर आगे आगे बनेंगे सेल तो ऐसे ही इस ग्रोथ को हम बोलते हैं ओवरऑल बाइनरी फिजन तो बाइनरी फिजन से वो डिवाइड होगा ज्यादा से ज्यादा क्योंकि हमने न्यूट्रिय मीडिया में डाला है अभी क्या है बैक्टीरिया का नंबर कम है खाने को उसके पास ज्यादा सामान है क्योंकि अभी अभी तो डाला है ठीक है तो अब वो क्या करेगा खाने का यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रोथ करेगा ज्यादा से ज्यादा अपना साइज बढ़ाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत हाई होगी डीएनए एन आर बहुत सारे सेलुलर कॉम्पोनेंट्स मजे आ रहे हैं उसे खा पी के अपनी सेहत बना रहे हैं वेट गेन कर रहे हैं है ना तो वही है ग्रो कर रहा है बच्चे पैदा कर रहा है ठीक है तो वही ग्रोथ फेस भी बोला जाता है इसको यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फुली जो उसमें खाने पीने का सामान है पिज्जा बर्गर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और खाना खा रहा है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रहा है अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस आगे 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 बढ़ रहे हैं ठीक है अब क्या है अब एक फेस ऐसा आएगा ज्यादा से ज्यादा ग्रो तो कर लिया अब थर्ड फेस आएगा स्टेशनरी फेस अब देखो क्या है यूजअली क्या है ग्रोथ हो रही है ग्रोथ होती रही है अब क्या है अब आपने डोमिनो से पिज्जा मंगवाया ठीक है कभी ना कभी खत्म तो होगा ये नहीं अल्टी अनलिमिटेड है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा डब्बे पे डब्बे खोलते जाओगे निकलता जाएगा अंदर से माल ऐसा तो होगा नहीं तो कभी ना कभी तो खत्म होगा तो इनका भी न्यूट्रिएंट का है क्योंकि आप क्या करोगे डालोगे तो है नहीं ठीक है एक बार दे दिया दे दिया इन बुखड़ों को उसके ज्यादा उससे ज्यादा कोई देगा नहीं ठीक है तो ये क्या है अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी ऊपर चढ़ के इनकी ग्रोथ रुक जाएगी अब बच्चे तो इन्होंने बहुत पैदा कर लिया वो बच्चे भी पिज्जा मांगेंगे वो भी खाएंगे अब पिज्जे हो गए लिमिटेड माँ बाप को भी खाने बच्चों को भी खाने किसका पेट भरे तो अब वो बच्चे पैदा करने कम कर देंगे क्योंकि अब उनके पास न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए हैं लिमिटेड हो गए ठीक है तो इसमें क्या है न्यूट्रिय डिप्लीशन होनी स्टार्ट हो जाएगी न्यूट्रिय कम हो गया है नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स अब क्या है अब क्या करेंगे वो लोग यार खाना तो कम है बच्चे हमारे पास ज्यादा है लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे है ना तो नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डाइंग जितने बैक्टीरिया के सेल डिवाइड हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं अब क्योंकि बिल्कुल एक स्टेशनरी फेस आ गया कि अब उनकी ग्रोथ क्या रुक गई है अब वो सोच समझ के खाना खा रहे हैं अच्छा चल आधा स्लाइस तू ले ले आधा स्लाइस मैं ले लेता हूँ तो ये हिसाब हो गया उनका ठीक है नो ओवरऑल ग्रोथ कोई ओवरऑल ग्रोथ ही नहीं होगी क्योंकि जितने सेल बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं तो इक्वल ही हो गया इनका प्रपोर्शन तो स्टेशनरी फेज में एक चीज़ रुक जाती है अब क्या होगा अब वो भी पीज्जे खा रहे हैं अब खा तो रहे हैं अब खत्म तो हो गई तो न्यूट्रिएंट्स और डिप्लीट होने लग जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और खत्म होने लग जाएंगे जिसकी वजह से हमारा ये क्या है डिक्लाइन में चला जाएगा नीचे चला जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा न्यूट्रियट्स कम हो गए अब जब खाने कोई नहीं है तो मरने वाले बैक्टीरिया भी ज्यादा हो गए पॉपुलेशन ओवरऑल कम हो जाएगी तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं डिक्लाइन फेज तो हमारे पास चार फेज कौन से आगे हमारे पास सबसे पहले आ गया लैग फेस फिर आ गया हमारे पास लॉग फेस फिर हमारे पास आ गया स्टेशनरी फेस और एंड में हमारे पास आ गया जी डिक्लाइन फेस ठीक है वेरी वेरी इजी समझ आ गया क्या था लैग में क्या है बेसिकली आपने कोई बैक्टीरिया आइसोलेट करा उसे आपने कल्चर मीडिया पे डाला न्यूट्रियट एनवे था उसे अडेप्टेशन होने में टाइम लगेगा वो सब लैग फेज में आ गया अब वो अडेप्ट हो गया है अच्छे से अब वो डिविजन करेगा अपने बच्चे पैदा करेगा और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और पिज्जा खाएगा भर भर के तो वो आ गया लॉग फेज में अब फिर क्या है पिज्जा एक लिमिट पे आके बराबर हो जाएंगे बच्चों को भी चाहिए हमें भी चाहिए तो अब क्या है अब सब इक्वल आ गया कि अब वो थोड़े भूख से मरने लग जाएंगे जितने बन रहे हैं और जितने मरेंगे वो इक्वल आ गए स्टेशनरी फेज आ गया और अब और पिज्जा हमारे खत्म हो रहे हैं और हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है तो अब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मरने लग जाएंगे तो एक डिक्लाइन फेज आ जाएगा तो ये हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ करके चार फेजिस थे लैग फेज लॉग फेज स्टेशनरी फेज डिक्लाइन फेज सो ये थी आज की वीडियो होप आपको अच्छे समझ आ गया अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Bye-bye!